आज हम लोग बात करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड के फर्दर आगे सेक्शंस पे, देखेंगे क्या क्या है जो बच रहा था। एक्सट्रीमली सॉरी कि कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, आप लोगों का कमेंट आया कि सर कल आपने वीडियो अपलोड नहीं किया, इसके लिए पहले आपको हम बोल दें कि एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम माय साइड। आप लोग फिक्र मत कीजिए, विद इन टाइम आपका सिविल प्रोसीजर कोड भी कंप्लीट हम करवा देंगे। आपसे हम 60 दिन का समय लिए हैं, 60 डेज में आपका सिविल प्रोसीजर कोड का ईच एंड एवरी ऑर्डर्स रूल्स सेक्शंस हर एक चीज कंप्लीट होगा विद केस लॉज, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम, डोंट वरी। आज हम लोग बात करेंगे, फर्दर प्रोसीड करेंगे सीपीसी के साथ और देखेंगे 34 से आज हम लोग बात करेंगे 38 तक। और इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 36 एंड 36 ऑलवेज रेड विथ ऑर्डर। किस ऑर्डर के साथ पढ़ाता है 36 को? ऑर्डर 21 के साथ। सभी रूल को, ऑर्डर 21 का सभी रूल को पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता है। वो क्या क्या है वो आगे बताएंगे, क्या क्या पढ़ना है आपको आगे। आज के एपिसोड को शुरू करें उसके पहले करना क्या, आप लोगों को चैनल पे नए हो, बहुत दिन से चैनल पे बने हुए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, बहुत बेनिफिट होगा आपको। आपको नीचे लिंक दिखेगा रेड कलर का, उस पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि जब भी चैनल पे वीडियो अपलोड हो, कंटिन्यूअसली वीडियो अपलोड हो रहा है, आप मिस ना कर जाओ किसी वीडियो से, लिंक आपको मिले, नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और आप अगर लॉ स्टूडेंट हो, लॉ से जुड़े हुए हो, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ो, टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से। और किसी भी पर्सनल क्वेरी के लिए आपको मुझे फॉलो कहां करना है? जी हां, इंस्टाग्राम पे। तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो बंपर ऑफर अभी आया है अनअकैडमी की तरफ से, अनअकैडमी की तरफ से अभी भारी डिस्काउंट चल रहा है। आप जाके सर्च करो, आपको लिंक मिल रहा है डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी का, आप मेरा क्लास ज्वाइन करो और देखो वहां पे वो आपको बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल हो रहा है। उसके बावजूद आप अगर मेरा कोड यूज करते हो, यस माय डियर फ्रेंड, यू यूज माय अनलॉक कोड, आप मेरा कोड यूज करते हो, तो 40,000 का जो अभी कोर्स अवेलेबल आपको 2000 में, 40,000 का कोर्स 2000 जो अवेलेबल है वो तो आपको है, इसके साथ 10% और एडिशनल डिस्काउंट अगर आप कोड यूज करते हो लॉ इज लाइफ। याद रखो कोड को, कोड क्या है? लॉ इज लाइफ। मिस मत करना, अनअकैडमी पे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अभी हम लोग क्या क्या कवर अप कर रहे हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को कवर अप कर रहे हैं, जी हाँ। उसके बाद एविडेंस एक्ट को कवर अप कर रहे हैं, सिविल प्रोसीजर कोड को तो यहां हम लोग कवर कर ही रहे हैं, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट बहुत मस्ट है। चाहे आप प्रैक्टिस का बात करो, चाहे आप किसी भी स्टेट का जुडिशियल एग्जाम का बात करो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ये मेरा गारंटी है कि आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड याद करना नहीं पड़ेगा, याद कराने का गारंटी मेरा है और हम आपको याद करा देंगे, ये निश्चित है, विश्वास कीजिएगा। बस मुझे कुछ दिन का समय देके देखिए, 7 दिन ये बहुत है, आपको याद हो जाएगा, याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मिस मत कीजिए, आगे फर्दर बहुत आगे निकल जाए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के साथ, एविडेंस एक्ट आगे बढ़ जाए, उसके पहले आप ज्वाइन करो मुझे अनअकैडमी पे। अनअकैडमी का मेरा प्रोफाइल लिंक, आप मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम है सोनू कुमार। आप लोग बहुत कमेंट करते हो कि सर आपका नाम क्या है, आपके नाम से नहीं मिल पा रहा, आपका नाम नहीं जान रहे, तो नाम याद रखना, मैसेल्फ सोनू कुमार। आपको प्रोफाइल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट मेरे प्रोफाइल पे पहुंच सकते हो। और दूसरी बात कि आपको जो लाइव वीडियो होगा, लाइव जो ऑनलाइन क्लास हो रहा है, लाइव क्लासेस जो हो रहे हैं, लाइव सेशन जो हो रहे हैं हमारे, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सर्च करो, देखो, बने रहो मेरे साथ। मैं डेली यूट्यूब पे लाइव आता हूं, आप लोगों के कमेंट्स को देखता हूं, आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर को आंसर करता हूं क्वेश्चंस को, तो मिस मत करना यार, मिस मत करना, जुड़ जाओ। अभी लाइव क्लास फ्री है, लाइव क्लास तो जुड़ के देखो, जो नहीं जुड़ रहे हो अभी तक, कम से कम डेमो तो लेके देखो, है ना। तो अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो करो, अनअकैडमी से जुड़ जाओ। अगर आप अपने प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे जाना ले जाना चाहते हो, अपने प्रिपरेशन को कुछ अलग दिशा देना चाहते हो, अलग डायरेक्शन देना चाहते हो, औरों से अलग होना चाहते हो, तो अनअकैडमी पे आओ, मुझे फॉलो करो और चलो एक नए सफर की ओर, लॉ के एक नए सफर की ओर चलते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, टू दी पॉइंट बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। हम लोग बात करेंगे एग्जीक्यूशन पे। तो सबसे पहले किसी भी चीज का 36 जो डील करता है एग्जीक्यूशन को, अच्छा उसके पहले आपको बता देते हैं जो जो छूट रहा था, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है नहीं, जो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, किस प्रीलिम्स या जुडिस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपको हम बताएंगे। देखो क्या है,
सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है इन सेक्शंस के वो मैं आपको बता दूंगा। 34 क्या करता है कवर, 34 इंटरेस्ट को देख रहा है, इंटरेस्ट से जुड़ा प्रोविजंस। अब यहां सवाल उठता है कि जो 34 अप्लाई होता है सूट, उस सूट पे जो है विद रिस्पेक्ट टू मनी, सूट फॉर मनी पे ही एप्लीकेबल है सेक्शन 34। याद रखिएगा लिक्विडेटेड डैमेजेस पे भी अप्लाई होता है सेक्शन 34। 34 डील करता है इंटरेस्ट रिलेटेड प्रोविजंस के साथ, है ना। और यहां पे जिस इंटरेस्ट का बात कह रहा है वो इंटरेस्ट होना चाहिए अकर्ड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट और यू कैन से ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ द सूट। ना तो ट्रायल जो हो रहा है सूट का खत्म हो जाएगा उसके बाद, और ना ही सूट इंस्टीट्यूट होने के पहले एप्लीकेबल नहीं होगा, उस इंटरेस्ट पे अप्लाई नहीं होगा सेक्शन 34। सेक्शन 34 से उसी इंटरेस्ट पे अप्लाई होगा जो इनकर्ड हुआ है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। याद रखिएगा बहुत ये सब बहुत तक बस याद रखना है इसकी हेडिंग को, दैट्स इट। उसके बाद 35 क्या कहता है, कॉस्ट रिलेटेड प्रोविजंस है। तो 35 को आपको पढ़ना है ऑर्डर 20A के साथ, 35 सेक्शन को ऑर्डर 20A के साथ पढ़ना जाता है। कॉस्ट क्या होता है, जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होती है ड्यूरिंग दी ट्रायल रिगार्डिंग सूट, सूट के ट्रायल के संबंध में जो भी खर्च एक्सपेंसेस होंगे उसके संबंध में पार्टी को कोर्ट बोलती है कि आप पेड करो वो कॉस्ट। तो क्या है इसके लिए, आप ऑर्डर 20A को ही देख लो, बहुत हो जाएगा, लेक्चर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं ऑर्डर 20A पे, तो ये सब इंपॉर्टेंट सेक्शंस है नहीं। फिर आता 35A। 35A क्या कहता है, 35A कहता है कॉम्पेंसेटरी कॉस्ट है फॉर फॉल्स और वेक्सियस क्लेम। आप जब फॉल्स क्लेम करते हो उसके रिगार्डिंग जो कॉस्ट इनकर्ड होता है वो कॉस्ट के रिस्पेक्ट में 35A। उसके बाद 35B भी है, 35B कहता है कॉस्ट फॉर, यहां 35B है कॉस्ट फॉर कॉजिंग अनड्यू डिले। अब बिना किसी कारण का आप डिले कर रहे हो ट्रायल में, सूट के ट्रायल में, उसके कारण जो कॉस्ट इनकर्ड होगा, जो पार्टी के कारण ऐसा हुआ है उसको कॉस्ट पे करना पड़ेगा एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 35B ऑफ द CPC। याद रखिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मूल पॉइंट था आपको हम बताए सेक्शन का, लेकिन आपको 36 सेक्शन है उसको अच्छे समझना होगा। 36 को पढ़ना है ऑर्डर 21 के साथ। तो पहले हम सेक्शंस के रिगार्डिंग जो बात है कुछ इंपॉर्टेंट वो देखते हैं। बने रहिए, हड़बड़ाइए मत, किसी भी सेक्शन को छोड़ा नहीं जाता है, मीनिंग में बात करते हैं। सेक्शन 36 में डील कर रहा है एग्जीक्यूशन से। आप सेक्शन 36 को देखेंगे हेडिंग को तो क्या करता है, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। तो जिस तरीके से डिक्री एग्जीक्यूट होता है, बोर्ड पर लिखा हुआ बात बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन कर लेना। जिस तरीके से डिक्री एग्जीक्यूट होता है एज पर दी प्रोविजन ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक उसी तरीके से ऑर्डर भी एग्जीक्यूट होगा। बस 36 इतना कहता है। तो जब बात एग्जीक्यूशन का आएगा तो हमको एग्जीक्यूशन के बारे में तो हर एक चीज को समझना होगा ना। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूशन के मीनिंग पर। एग्जीक्यूशन के मीनिंग पे जो बात करेंगे तो क्या कहता है, देखो इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर ऑफ द कोर्ट बाय द प्रोसेस प्रोवाइडेड अंडर सीपीसी। तो एग्जीक्यूशन का मतलब ही होता है लागू करना। किस चीज को लागू करना, डिक्री ऑर्डर को लागू करना जो पास हुआ है कोर्ट के द्वारा। कैसे करने लागू, तो उस प्रक्रिया के थ्रू जो प्रक्रिया सिविल प्रोसीजर कोड में दिया गया है। अब आते हैं दूसरा नंबर पॉइंट, तो प्रक्रिया क्या है जिसके थ्रू लागू होगा डिक्री ऑर्डर। तो देखो मोड के बारे में बात करें तो डिक्री या ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है अगेंस्ट पर्सन ऑफ द जजमेंट डेटर बाय अरेस्ट और डिटेंशन, है ना, अगेंस्ट प्रॉपर्टी बाय अटैचमेंट एंड सेल, बाय अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, रिसीवर को अपॉइंट करके भी एग्जीक्यूट होता है डिग्री ऑर्डर। या फिर आप सेक्शन, चलिए मोस्ट प्रोबेबली सेक्शन बताओ जिसके अकॉर्डिंग प्रोसीजर बताया गया है डिग्री या ऑर्डर के एग्जीक्यूशन का, किस तरीके से डिग्री और ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है हमें बता देते हैं आपको, आप क्यों कष्ट करोगे। सेक्शन 50 क्या कहता है, पावर ऑफ कोर्ट टू इन्फोर्स एग्जीक्यूशन। तो इन्फोर्स एग्जीक्यूशन, इन्फोर्स कैसे करेगी एग्जीक्यूशन को कोर्ट, चाहे वो डिग्री का हो या ऑर्डर को हो, तो वो सेक्शन 50 बताया गया, वो इसी उसी के अनुसार यहां पर बात की है। तो जो चौथा पॉइंट था वो है एज पर द रिलीफ, जैसा रिलीफ उसके अकॉर्डिंग इन्फोर्स होगा आपका एग्जीक्यूशन, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कौन सा डिग्री एग्जीक्यूटेड, विच डिग्री में भी एग्जीक्यूट, कौन सा डिग्री एग्जीक्यूट होगा, जो डिग्री ट्रायल कोर्ट ने पास किया, कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ने पास किया है, या अपीलेट कोर्ट ने जो डिग्री पास किया है, इनकेस ऑफ अपील, कौन सा डिग्री एग्जीक्यूट होता है। मान लो कि आप जजमेंट डेटर हो, आपके खिलाफ जजमेंट पास हुआ, डिग्री उसको फॉलो किया, डिग्री बना, तो आपने उस डिग्री के अगेंस्ट अपील किया, फिर अपीलेट कोर्ट में आपके खिलाफ एक और डिग्री पास हो गया, तो कौन सा डिग्री एग्जीक्यूट होगा। माय डियर फ्रेंड, बड़े ध्यान समझो बातों को। तो पहला नंबर पॉइंट कहता है
कि डिग्री ऑफ द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस, तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस का मतलब ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट मींस टू से कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, जिस कोर्ट में डायरेक्ट मामला जाएगा उस मामले पे उस कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होता है, आपको हम बताए थे। तो हमेशा जो डिग्री एग्जीक्यूट होता है वो होता है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस का। अगर अपील नहीं होगा उस डिग्री से तो हमेशा डिग्री एग्जीक्यूट होगा कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस का। लेकिन अगर दूसरा नंबर सिचुएशन है कि अगर मान लो डिग्री से अपील होगा, डिग्री से अपील होगा, अपील हुआ, तो फिर इस सिचुएशन में कौन सा डिग्री एग्जीक्यूट होगा, तो तब यहां पे डिग्री ऑफ द कोर्ट ऑफ लास्ट इंस्टांस एग्जीक्यूट होगा, डिग्री ऑफ द कोर्ट ऑफ द लास्ट इंस्टांस। तो जो अंतिम डिग्री जिस कोर्ट के द्वारा पास हुआ था उसी डिग्री को एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट का ओरिजिनल कोर्ट का जो डिग्री था वो मर्ज हो जाता है अपीलेट कोर्ट के डिग्री में, दैट्स व्हाई जो अपीलेट डिग्री है वही एग्जीक्यूट होगा इन केस ऑफ अपील, याद रखिएगा ये सब बात। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है, हु मे एग्जीक्यूट डिग्री, डिग्री को जनरली एग्जीक्यूट कौन करता है, इन्फोर्स कौन कराता है, आपको पता ही है पहला कि डिग्री होल्डर कराता है। जी हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट, आपको सही जानकारी है कि डिग्री होल्डर कराता है। डिग्री होल्डर कौन होता है, जिसके फेवर में डिग्री पास हुआ वही डिग्री होल्डर होता है ना। लेकिन अगर आपसे पूछ ले क्या डिग्री होल्डर होने के लिए पार्टी होना जरूरी है टू दी सूट, क्या डिग्री सिर्फ पार्टी टू दी सूट ही पास होता है, ऐसे पर्सन के फेवर में डिग्री पास हो सकता है क्या जो पार्टी ही नहीं है टू दी सूट, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। उसके बाद और कौन कौन है जो डिग्री को इन्फोर्स कर सकता है एक्सेप्ट डिग्री होल्डर, तो देखो इन केस ऑफ डेथ ऑफ द डिग्री होल्डर उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट हो चाहे वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, याद रखिए ये सब बात को। उसका नेक्स्ट है कि किसके खिलाफ डिग्री एग्जीक्यूट होगा, जनरली बात है कि जिसके खिलाफ डिग्री पास होगा उसके खिलाफ डिग्री एग्जीक्यूट होगा, इन्फोर्स होगा, तो कौन होता है वो व्यक्ति, वो होता है जजमेंट डेटर। लेकिन याद रखिए कि अगर जजमेंट डेटर मर गया है, जजमेंट डेटर अगर मर गया है और डिग्री जजमेंट डेटर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव खिलाफ इन्फोर्स होना है तो फिर अगेंस्ट पर्सन इन्फोर्स नहीं हो सकता है, अगेंस्ट पर्सन मींस टू से बाय वे ऑफ अरेस्ट डिटेंशन इन्फोर्स नहीं होगा। तो ये हो गया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, क्या नोटिस देना जरूरी है एग्जीक्यूशन के पहले, डिग्री को इन्फोर्स करना है, डिग्री होल्डर अपने डिग्री को इन्फोर्स करना चाहता है, तो सवाल आता है कि क्या जजमेंट डेटर को इसके पहले इन्फोर्स करने से पहले क्या वो नोटिस देगा, जनरली क्या होगा इसका आंसर, नहीं, जरूरी नहीं है नोटिस देना इन्फोर्स करने से पहले। लेकिन यस माय डियर फ्रेंड, देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस अंडर विच डिग्री होल्डर इज बाउंड टू गिव नोटिस बिफोर एग्जीक्यूटिंग इस डिग्री। व्हाट आर दो सर्कमस्टांसेस, तो देखो पहला, इफ डिग्री सॉट टू बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जजमेंट डेटर, जजमेंट डेटर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट अगर डिग्री को एग्जीक्यूट करना है तो प्रायर नोटिस मैंडेटरी है। नेक्स्ट है, डिग्री सॉट टू बी एग्जीक्यूटेड अंडर सेक्शन 44A, दैट मींस इफ डिग्री सॉट टू बी एग्जीक्यूटेड इन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी देन प्रायर नोटिस इज मस्ट बी गिवन टू द जजमेंट डेटर। नाउ द थर्ड सिचुएशन इज इफ सॉट टू बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट असाइनी और रिसीवर, तो सॉट टू बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट असाइनी और रिसीवर ऑफ द जजमेंट डेटर, इफ जजमेंट डेटर बिकम्स इनसॉल्वेंट तब जजमेंट डेटर का अपॉइंट होता है असाइनी या रिसीवर, तो अगर इनके खिलाफ डिग्री को एग्जीक्यूट करना है तो प्रायर नोटिस जरूरी है। इफ डिग्री सॉट टू बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट पर्सन, अगर डिग्री इन्फोर्स करना बाय अरेस्ट और डिटेंशन, और ये जो डिग्री इन्फोर्स होता है अगेंस्ट पर्सन, तो वो होता है उस डिग्री को लेके जो डिग्री पास हुआ है इन सूट फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, और अगर अगेंस्ट पर्सन इन्फोर्स हो रहा है डिग्री तो फिर नोटिस जरूरी है, प्रायर नोटिस। और द लास्ट वन इज इफ डिग्री सॉट टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ द ट्रांसफेरी ऑफ द डिग्री होल्डर, डिग्री होल्डर के एप्लीकेशन पे, माफ करो, डिग्री होल्डर के ट्रांसफेरिंग, करेक्ट करो खुद को, माय मिस्टेक, डिग्री होल्डर के ट्रांसफेरी, जिस पर्सन को डिग्री होल्डर ने अपना डिग्री ट्रांसफर किया वो ट्रांसफेरी, तो ट्रांसफेरी के अगर एप्लीकेशन पे डिग्री एग्जीक्यूट हो रहा है तो फिर प्रायर नोटिस मस्ट बी गिवन टू द जजमेंट डेटर, देना जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप लोग नोट करके रखो इस बातों को, जनरली आपको जब पूरा बुक को थोरली जाओगे ना तब आपको इतना बात निचोड़ आपको निकल जाएगा, आपको इतना कष्ट करने का जरूरत है नहीं, मैं ही आपके लिए हर बात को निकाल के आपके सामने रख रहा हूं। आगे फर्दर प्रोसीड करें, 35, 36 आगे देखो, तो 37 इंपॉर्टेंट है, नहीं, डेफिनेशन ऑफ कोर्ट है,
डेफिनेशन ऑफ कोर्ट विच पास डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है नहीं, कोर्ट का डेफिनेशन जो डिग्री पास करता है उस कोर्ट का डेफिनेशन क्या होगा, वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस हो सकता है, कोर्ट ऑफ लास्ट इंस्टांस हो सकता है, इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना ही जान लो यही बहुत है। उसके आता है कोर्ट बाय विच डिग्री में एग्जीक्यूटेड, किस कोर्ट के द्वारा डिग्री एग्जीक्यूट होगा, याद रखना 38 को, इसमें दो बात है बस, सवाल 38 कर रहा है कि किस कोर्ट के द्वारा डिग्री एग्जीक्यूट होगा। तो पहला है कोर्ट बाय विच डिग्री वॉज पास, जिस कोर्ट ने डिग्री को पास किया उस कोर्ट के द्वारा डिग्री एग्जीक्यूट होगा, करेक्ट। उसके बाद दूसरा है ट्रांसफेरिंग कोर्ट, मींस टू से कोर्ट टू विच डिग्री इज ट्रांसफर फॉर एग्जीक्यूशन, जिस कोर्ट को डिग्री पास हुआ है एग्जीक्यूशन के लिए वही कोर्ट इन्फोर्स कर सकती है। तो दो ही कोर्ट है, जिस कोर्ट ने डिग्री पास किया, जिस कोर्ट को डिग्री ट्रांसफर हुआ फॉर एग्जीक्यूशन, दो ही कोर्ट इन्फोर्स कर सकती है डिग्री को। आगे हम लोग कल के एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो 36 को देखो निचोड़ निकालो, 36 एग्जीक्यूशन जब भी पूछा जाएगा तो इतना बात आपको लिखना ही है। देखो हम बता के निकल जाते हैं एग्जीक्यूशन है चलो हटाओ, लेकिन जो बताना जरूरी था वो आपको बताना जरूरी है, वो हम बताएंगे। और एग्जीक्यूशन का बात आएगा तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर, इसके लिए ऑर्डर 21 को देखना होता है, जो एप्लीकेशन फाइल होगा एग्जीक्यूशन के लिए, चाहे ओरल हो या रिटेन हो, इसके लिए कौन सा रूल देखना होगा। अगर रिटेन हुआ तो रिटेन जो एप्लीकेशन होगा उसमें क्या कंटेंट होगा, सब बात कोर्ट रिसीव कर लिया एप्लीकेशन को, उसके बाद क्या करेगी, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगी कोर्ट, तो हर बात हम आपको बताए हैं ऑर्डर 21 का। लिंक आपको देखो ऊपर में आई बटन होगा, यहां पर मिल जाएगा आपको वीडियो का लिंक, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करो, आपको वहां भी मिलेगा लिंक ऑर्डर 21 का। इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है उसको पढ़ना है, सभी को पढ़ना नहीं है। और हम आपको बताएं आप एक जुडिशियल एस्पिरेंट हो तो कम से कम 1 से लेकर 10 ऑर्डर तक तो कंठस्थ कर लो, 1 to 10 ऑर्डर अगर आपका कंठस्थ है, और इन ऑर्डर 21 जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो कंठस्थ है, आपका याद है पूरा, बस आपका सिविल प्रोसीजर कोड का जो स्टैंडर्ड पोर्शन है वो आप कंप्लीट है, बस बॉडी ऑफ जो है सिविल प्रोसीजर कोड का वो आपको कवर अप करना है, यही बॉडी इंपॉर्टेंट है, दैट मींस सेक्शंस इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था आपका आज का वीडियो लेक्चर, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए कि मेरा सैटरडे को स्पेशल क्लास होने वाला है अन एकेडमी पे, सैटरडे को स्पेशल क्लास होने वाला है, मिस मत कीजिएगा, अटेंड जरूर करना है आप लोगों को अटेंड करना है। अगर आप अभी अन एकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको बंपर ऑफर मिल रहा है, उसपे से एडिशनल 10% डिस्काउंट, 40,000 का कोर्स मात्र 2,000 के अप्रॉक्स में, उसपे 10% का डिस्काउंट अगर आप मेरा कोड अप्लाई करते हो, तो मिस मत करो, जल्दी से ज्वाइन करो मुझे अन एकेडमी पे। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।